अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ अपने चैनल की तीसरी वीडियो के साथ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने वॉच टू अर्न में किस तरह अर्निंग करनी है और किस तरह अपने लिंक से दूसरों को ज्वाइन करवाना है। सबसे पहले वॉच टू अर्न में हम जाएंगे। वॉच टू अर्न में जैसा कि आपको मालूम है, इसमें वीडियोज आती हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। चार पॉइंट मिलते हैं एक वीडियो देखने के, 1000 पॉइंट का आपका $1 बनता है जाके। मिनिमम जो कैश आउट है आपका वो है $10 का। तो ये वीडियो देख रहे हैं हम, इसके बाद में एंड पे आएगा हमको कि 4 पॉइंट रिवार्ड किए गए हैं। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, कांग्रेस जो है अवार्डेड 4 पॉइंट्स। तो दूसरा तरीका है इसमें अर्निंग का, वॉच एंड इंस्टॉल का। इसमें यहाँ पे ऐड देखेंगे हम, ऐड देखने का हमको 1 पॉइंट मिलेगा और ऐड देखने के बाद हम उस पर जो ऐप्स होगी उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे। इसको 10 पॉइंट हमको मिल जाएंगे ऐप्स इंस्टॉल करने के, मतलब टोटल 11 पॉइंट मिल जाएंगे। ये है दूसरा तरीका अर्निंग का। हम ऐप इंस्टॉल नहीं करते, वीडियो देख लिया हमने, 1 पॉइंट मिल जाएगा हमको। इधर से इंस्टॉल करेंगे हम वापस आते हैं, 1 पॉइंट मिलेगा। अब 1 पॉइंट मिल गया हमको। तीसरा तरीका है इसमें, कुछ फ्रेंड्स को समझ नहीं आती कि हम इनवाइट्स कैसे करें अपने फ्रेंड्स को, कैसे उनको बताएं कि हमारे लिंक से आप ज्वाइन करें। तो ये फर्स्ट पेज में ऑप्शन है इनवाइट एंड अर्न का, यहाँ पे शेयर लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने फेसबुक पे शेयर करना है, ट्विटर पे करना है तो इधर से डायरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कमेंट्स में या पर्सनल मैसेजेस में किसी और जगह पे करना है तो यहाँ से कॉपी लिंक कर लें, तो वहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जब कोई आपके लिंक से ज्वाइन करेगा तो आपको 250 क्वींस मिलेंगे, लेकिन स्टार्ट में 250 नहीं मिलेगा, स्टार्ट में सिर्फ 20 क्वींस मिलेंगे। उसके बाद जब वो 400 पॉइंट पे उसकी अर्निंग जाएगी आपको 100 पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद जब उसकी अर्निंग रेफरल की 2000 पे जाएगी आपको 130 और क्वीन मिलेगा। तो इस तरह आपके टोटल 250 की अर्निंग होगी एक रेफरल के थ्रू से। तो ये तरीका है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वीपीएन से वीडियो किस तरह देखते हैं। तो जब वीडियोस नहीं आती तो वीपीएन लगा के भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक है।